दोस्तों, आप लोगों का छोटी रसोई में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी छोटी रसोई में बहुत ही स्पेशल सब्जी बनाने वाले हैं। आमतौर पर हम लोग आलू गोभी टमाटर की सब्जी जो है बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे फूल गोभी की सब्जी हरे चने और कैरेट के साथ में। इसके लिए हम ये जो फूल गोभी है इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और हमने अपने छोटे से चूल्हे के ऊपर पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब तक हम अपनी वेजिटेबल तैयार करेंगे, जब तक हमारा पानी जो है वो बॉईल हो जाएगा, अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। ये गोभी के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। इसके बाद गोभी हरे चने और कैरेट सबको हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। ये हमारी वेजिटेबल तैयार है, हमारा पानी भी जो है वो गर्म हो चुका है। ये सभी वेजिटेबल को हम पानी में डाल देंगे। ये है हरे चने और कैरेट। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। ये 10 मिनट के बाद में हमारी वेजिटेबल जो है अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी होगी। बीच में हम इसको एक बार चेक करेंगे, ये ठीक से बॉईल हुई है कि नहीं है, दबाकर इसको हम चेक करते रहेंगे बीच में। ये हमारी वेजिटेबल जो है बॉईल हो चुकी है, इसको हम एक पॉट में निकाल लेंगे। अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए कढ़ाई जो है हमारे छोटे से चूल्हे के ऊपर रख देंगे, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो ये सब्जी को हम फ्राई करने के लिए डालेंगे लहसुन। ये हमारी वेजिटेबल बॉईल की हुई है, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, ये कटे हुए लहसुन हमारे तैयार है। लहसुन थोड़ी देर में ब्राउन कलर के हो जाएंगे। चूल्हे को हम अच्छी तरह से सिलगा लेंगे। अभी हमारे लहसुन जो है हो चुके हैं, इसमें हम डालेंगे कटे हुए प्याज और टमाटर। टमाटर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसको 10 मिनट तक के सिकने देंगे। ये जब अच्छी तरह से पक जाएगा तो हमारी जो वेजिटेबल बॉईल की हुई है उसको हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर। नमक स्वादानुसार। और डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसको हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। 10 मिनट के लिए ढक कर रखने से सब चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनेगी ये। आमतौर पर हम लोग आलू गोभी टमाटर जो है बनाते रहते हैं, लेकिन हम जो बना रहे हैं ये सब्जी गोभी के साथ में हरे चने और कैरेट के साथ में बना रहे हैं, जो कि बहुत हेल्दी भी है और स्वादिष्ट भी है। ये देखिए हमारी सब्जी जो है बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। आपको यदि हमारी रेसिपी और हमारा छोटा सा किचन पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।